जा पाता जिसको बुलावाता। जम्मू में त्रिकोट पर्वत पर रहती है माता, वही वहां तक जा पाता है जिसको बुलावाता। हर मौसम में रहती वहां की घटा सुहानी, आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। शक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। जिसी वैष्णो मान जन्म है पाया, आज की नहीं ये त्रेता युग की बात पुरानी है। आज की नहीं ये त्रेता युग की बात पुरानी है, ये आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। हर्षाया देव पोत्री पाकर, राजा रत्नाकर के घर में जन्मी पोत्री बनकर, रत्नाकर का मन हर्षाया देव पोत्री पाकर, नाम धराया मैया जी का वैष्णवी रानी है। शक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। एक दिन वैष्णवी ने पिता से मन की बात बताई, जाऊंगी मैं तप करने को मन की इच्छा जताई। बेटी की सुन बात पिता ने भर दी हामी है, बेटी की सुन
शक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। रामचंद्र तब मिले थे माँ से आके, राम नाम वो रटने लागे त्रिकोट पर्वत जाके। एक दिन प्रभु रामचंद्र तब मिले थे माँ से आके। कैसी वर्णन करूं घड़ी वो बड़ी सुहानी है, ये आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। रामचंद्र जी बोले हे देवी अब हमें बताओ, नाम हमारा किस कारण रटती हो ये बतलाओ। बोलो हमसे देवी जो भी मन में ठानी है, बोलो हमसे देवी जो भी मन में ठानी है। ये आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है। जी बोले विष बदल कर एक दिन
जान गई तो मुँह मांगा वर दूंगा। इतना याद रहे देवी यदि हमको पानी है, इतना याद रहे देवी यदि हमको पानी है। ये आदि शक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है।
तुमका वो सारा संकट हरती। गाती है ज्योति संतोष ये कथा सुहानी है। ये आदिशक्ति माता वैष्णो देवी की कहानी है।